नवरात्रि के दिनों में 9 दिनों तक देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा का विधान है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना का विधान है। वाराणसी के चौक क्षेत्र में देवी का प्राचीन मंदिर स्थित है। ब्रह्म मुहूर्त से ही मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ लगी हुई है, जो देर रात तक चलेगी। भक्त हाथों में पुष्प और नारियल लिए देवी के दर्शन को कतार में लगे हुए दिखाई दिए। मान्यता है कि चंद्रघंटा देवी के दर्शन मात्र से ही भक्तों की सभी मनचाही मुरादें पूरी होती हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि भगवती के चंद्रघंटा स्वरूप के दर्शन से धन, ऐश्वर्य, शक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा अपने घंटियों की आवाज से ही असुरों का नाश कर देती हैं। उन्होंने कहा कि काशी में मान्यता है कि जब किसी व्यक्ति के प्राण निकलते हैं तो भगवती देवी उनके कंठ में जाकर घंटी बजाती हैं, जिससे मृतक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्र के तीसरे दिन लोग भगवती की पूजा अर्चना करते हैं, जिसकी जैसी मनोकामनाएं होती हैं भगवती उसे पूरा करती हैं। उन्होंने आगे माँ चंद्रघंटा मंदिर के विषय में बताते हुए कहा कि ये मंदिर प्राचीन काल से बना हुआ है और इस मंदिर का उल्लेख काशी खंड में भी मिलता है। आइए देखते हैं कि क्या है मंदिर की पूजा विधि। पंडित विकास पांडे बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर स्नान करें, इसके बाद पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें, माँ दुर्गा का शुद्ध जल से अभिषेक करें, देवी को अक्षत, सिंदूर, लाल पुष्प अर्पित करें और फल और मिठाइयों का भोग लगाएं। दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद आखिर में माँ की आरती करें। आइए बताते हैं कि माँ की पूजा के लिए क्या है आवश्यक सामग्री। बता दें कि नवरात्रि के अगले 6 दिन तक काशी के मंदिरों में माता के विशेष अवतारों के दर्शन होंगे। नवरात्रि के चौथे दिन कूष्मांडा देवी की पूजा की जाती है, इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहते हैं। वाराणसी में सुप्रसिद्ध दुर्गा कुंड मंदिर में कूष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। माँ कूष्मांडा ब्रह्मा, निर्माता, धन, शक्ति, स्वास्थ्य, तेज और भाग्य की देवी है। देवी कूष्मांडा को पीला रंग अति प्रिय है, जो कि चमक और महिमा का प्रतीक होता है। नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा का विधान है। वाराणसी के चौक स्थित संकटा गली में माता का मंदिर स्थित है। माता ने भगवान स्कंद को जन्म दिया, जिन्हें कार्तिकेय महाराज के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कार्तिकेय को राक्षस तारकासुर का वध करने के लिए सक्षम बनाया था। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। काशी में देवी का मंदिर सिंधिया घाट पर स्थित है। देवी कात्यायनी ने महिषासुर पर विजय प्राप्त की। नवरात्रि का सातवां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। उन्हें चामुंडा देवी भी कहा जाता है। राक्षस चंड और मुंड के विनाश के लिए उन्होंने चामुंडा का अवतार लिया। काशी के विश्वनाथ गली में कालरात्रि देवी का प्राचीन मंदिर है, जिसे मुकुट चक्र देवी के रूप में लोग पूजते हैं। वही नवरात्रि के आठवें दिन माँ गौरी की पूजा का विधान है। इन्हें श्वेतम्बरा भी कहा जाता है। विश्वनाथ गली के लाहौरी टोला में माँ का मंदिर स्थित है। माँ अपने भक्तों को जीविका, शक्ति, सद्भाव और मातृत्व का संदेश देती हैं। वही नवरात्रि का अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इनका दूसरा नाम सरस्वती भी है। दागनी स्थित गोलाघर में माँ सिद्धिदात्री का मंदिर स्थित है। इनकी पूजा से मानसिक स्थिरता और जीवन में शांति बनी रहती है।